Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। बात करते हैं वीकेंड के वार की पहली एपिसोड की। तो वीकेंड का वार बहुत भारी तो नहीं पड़ा सब घर वालों पे, बड़े प्यार मोहब्बत से सलमान खान ने सबसे की बातचीत, मगर शुरुआत कुछ ऐसी की कि सबके दिल धक धक करने लगे। क्या कहते हो आप लोग? बिल्कुल मैडम, सही बात है। तो हाँ, आप बोलो, आप कुछ बोलना चाहती? मैं तो गाना गाने के लिए लगी थी, धक धक करने लगा रोड का दिल धक धक करने लगा था जब प्रैंक किया था सलमान खान ने न्यूज के थ्रू। हाँ, वो शुरू में जो बोल दिया था ना कि उसके बारे में, चलो आपने इनकी रिलेशनशिप के बारे में क्या कहा है, तो उसको ऐसे लगने लगा कि शायद मैंने कहा ही ना दिया हो। हाँ बिल्कुल सही बात, अपने आप डाउट होने लगता है इंसान ने, क्योंकि वो इतनी कन्विक्शन के साथ क्या कहा था। तो क्योंकि 24 घंटे कैमरे रहते, कई बार उन बंदे को, जैसे उसने खुद ही बोला कि मैंने एक दो बार ये तो बोला है कि जसलीन पसंद नहीं है, पर वो बंदा खुद ही सोचे कहीं साथ में ये तो नहीं बोल दिया कि रिलेशनशिप के, वो भी कलवा लिया मुंह से। ये बात तो सही है, मगर मुझे एक चीज आप लोग बताओ, सारे सियाने सियाने लोग बैठे हो कि वो सिरी साथ क्यों रोया? ये इसको कहते हैं बाबा, तुम चिड़िया का मरल गवारा कहा? एक्सक्यूज मी, सिरी साथ मेरा पसंदीदा है, मैंने कल भी बोला था, इसलिए मेरे चिड़िया। तो फिर रो क्यों रहे हो? ये बात ये आपको देख के कंफ्यूज हो जाता है गुलाटी, देखो नहीं ये बात, ये वो कर रहे हैं क्योंकि गुलाटी साहब का भी श्रीचंद के साथ सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। हाँ वो बात ठीक है, वो तो ठीक है, बट मैडम का सवाल जो है कि श्रीशांत क्यों रोया, वो भी वाजिब है, चाहे उन्होंने कॉमिक वे से कहा हो, क्योंकि श्रीशांत मुझे लगता है कि जैसे हो जाएगा ठीक टाइम के साथ साथ, बट काफी ज्यादा ही इमोशनल कैंडिडेट है, काफी इमोशनल, क्योंकि आपने मैडम, आप सोच के देखो कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी और उसके साथ जीवन में पीछे जिंदगी में क्या कुछ हुआ, वो सारा ट्रॉमा जो है ना सामने आदमी के, कहां से क्या है यार, मैं जरा जैसी बात पे वो इमोशनल हो जाता आदमी। जब बिजनेसमैन उसकी बेइज्जती करते बंदे को फील नहीं होगा? हाँ तो उसकी तो अब लेंगे सलमान खान क्लास में। तुम देखो कैसे बोल रहे, गलाटी हम लेंगे क्लास, गंदा दिमाग आपका होगा, गंदा दिमाग, मैंने कुछ बोला? हाँ यार मैडम ने कुछ नहीं बोला गुलाटी साहब, ऐसी बात को खबरदार, मुझे कुत्ता का दो, कुत्ते को कुत्ता बोलने ओए यार गुलाटी, तुम्हें नहीं ये स्टूडियो के बाहर ये कुत्ता भौंकता, आप लीकेज है ये डोर से, तो मैडम इसको स्टूडियो का साउंड प्रूफ कराओ। टॉपिक चेंज करो, ये आप लोग और भटक जाते हो जो चीजों में ना, हम लोग बात करें बिग बॉस के बारे में, बिग बॉस के कल के एपिसोड के बारे में। मुझे ना एक वो जो सबा थी, जो सिस्टर, मुझे वो लगा कि बड़ी, वो तो बड़ी ड्रामेबाज निकली है ना, कैसे उसको गुनाहगार बनाया, उसको रखा तो 2-3 मिनट के बाद ही उसका रोना धोना चालू हो गया। हाँ और तो कैसे उसका वो गुनाहगारी चेंज करवा दिया उन लोगों ने, देखो गुनाहगारी चेंज करा दिया, और बेचारे ओ बुजुर्ग बार जलोटा साहब जो है, मैडम वो जो ना सबा पता क्यों रही, मुझे पता क्यों रही, क्योंकि ना जब बात हो रही थी ना, जब वो गुनेगार बन के बैठ गई थी, तब तो बड़े बोल्डली सब चीजों के जवाब दे रही थी, और जब कुछ इमोशनल सी बात हुई ना उन दोनों बहनों के बारे में, तो उसकी आंखों में पानी आ गए। अब मुझे चीज बताओ, बिग बॉस का घर ही ऐसे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदा भी रो देता है वहाँ पे, ऐसा घर है बिग बॉस का, तो वो रोई तो क्या गजब हो गया। तो फिर श्रीशांत के बारे में क्यों पूछ रही थी कि वो क्यों रोया ऐसा करके? कारण पूछ रही थी, कारण समझे, अब मुझे पता क्यों रोया, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही थी, आंखें खोल के एपिसोड देखते हो कि क्या करते हो, मेरे को बोलने दो पापा, तो ये ज्यादा ही आज गुलाटी भड़क रहा है। चलो कोई नहीं मैडम, चलती आप बताओ, बताओ आप बताओ क्या? मैं बताती हूँ श्रीशांत क्यों, क्योंकि उसने वो आप ब्रिंगिंग वाली बात पे भी माफी मांग ली थी अंदर ही शो के, उसने वो चीज बोल भी दी थी कि मैंने ऐसे बोल दिया फ्लो में, मुझे गुस्सा आता है तो मुझे एकांत दे दिया, उसने बोला था कि नहीं बोलो?
हाँ बोला था, बोला था, बोला था ना। फिर उसने दूसरी बात पे भी बोला कि मैंने वो जैसे सलमान खान ने भी बोला जैसे क्रिकेट में खेलते तो आपके मुंह से गाली निकल जाती, ऐसे करके निकल जाती है गाली, तो वो उसके फ्लो में निकले, उसके लिए भी उसने बोला चलो ठीक है मेरे मुंह से निकल गई तो उसके लिए भी उसने अपोलोजाइज किया। अब फिर से वही बात करोगे तो एक सेलिब्रिटी बंदे की इंसल्ट नहीं होती? हाँ ये बात सही है। तो फिर मुझे पता है क्यों रोया मैडम आप मारते बात है बातें। हाँ चलो चलो आगे आगे शो की बात करते हैं, आगे जाके क्या क्या हुआ शो में। यार मुझे इस एक बात बताऊ ना, मुझे ये जो बाद में शिफ्ट हो गया ना जो अनूप जलोटा की तरफ, बाद में अनूप जलोटा साहब को बना दिया यार क्या कहते हैं गुनाहगार, वो गुनाहगार अच्छी बनी थी, वो कैसे शिफ्ट हुआ कैसे बना दिया, और वो पानी से गीला करना और उनका ऊपर वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। करेले का चाहे किसी का, लेकिन वो थोड़ा बुरा लगा। हाँ वो एक्चुअली मतलब अनूप जलोटा की गलती भी थी बाबा, तो वो मान क्यों नहीं रहा कि वो शुरू से ही दीपिका को कैप्टन बनाना चाहता था, वो बात क्यों नहीं मान रहा? कॉमनर्स अपनी जगह पे सही थे, इसीलिए उसको वो मिला टॉर्चर रूम मिला, क्योंकि अगर अनूप जलोटा देखिए वहां पे जो भी कैंडिडेट सब इक्वल है, सब लोग खेलने आए हैं, कोई सीनियर सिटीजन है कोई बच्चा है या कोई भी है, सबको अपनी ट्रॉफी जीतनी है, तो उनका लिहाज क्यों किया जाए फिर? अगर वो गलती कर रहे हैं तो उसको तो मिलेगी ना सजा, मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात है। और मैं एक बात बताऊं, सेलिब्रिटी कहीं ना कहीं अपने आप को ये इस बात समझ रहे हैं कि हम सेलिब्रिटी हैं और ये कॉमनर है, तभी तो मुंह की खा रहे हैं, समझ रहे हैं तो तभी तो। अब देखना आज जो टास्क होगा उसमें कैसे मुंह की खाते हैं वो, पिल्लो बना बना के कैसे वो सब जो जोड़ियां पड़ जाएंगी उनके पीछे। और एक बात मुझे नेहा पेट से ने जैसे कहा कि ये दो इनके पास एक ऑप्शन है कि ये डबल है नंबर में, हम अकेले अकेले जी जी ये तो है, तो ये है, लेकिन उनके साथ उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय सिर्फ फैंस के। अरे फैंस सिवाय छोटी मोटी बात होती है फैंस का होना। हाँ ये बात सही है, बट अब इनसिक्योर लग रहे हैं मुझे सेलिब्रिटीज भी इस बार ना, कि उनको लग रहा है कि ये लोग हावी पड़ रहे हैं हम लोगों के ऊपर जो कॉमनर्स हैं। दरअसल बात ये है कि ये लोग डिसेंट है, थोड़े शरीफ है, शरीफ लोग हैं। हाँ, पिछली हाँ। बार की तरह नहीं है कि सेलिब्रिटी भी ऐसे धमाल थे। हाँ, हाँ। मतलब एक नहीं, पिछली बार क्या था ना बाबा, तो पिछली बार क्या था सेलिब्रिटीज की आपस में खुंदस थी, शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता की, उनकी आपस में बहुत तनातनी थी, इसलिए एपिसोड में सेलिब्रिटीज का भी मजा आया। इसमें सब सेलिब्रिटीज जो है ना एक दूसरे को पैम्पर करने में लगे हुए हैं कि बुरा नहीं बन रहे हैं एक दूसरे की आंखों के सामने, वो चीज हो रही है, इसलिए सेलिब्रिटीज की जो नोकझोंक अभी शुरू नहीं हुई है जो कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। हाँ आगे होगी ना, देख ले तो बिग बॉस टिक 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 करके ले आएंगे जो 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 शोर मचाए घर के अंदर है। सीधा जो देखना जब ये दीपिका कक्कड़ की और नेहा पेड़से की इनके साथ सृष्टि रोड के साथ जब उसकी तो चिंगारी शुरू हो भी गई है, दोनों बातें भी कर दी नेहा और दीपिका की ये सृष्टि कुछ अलग ही है, ये बातें तो मैंने देखी टीवी पे। हाँ हाँ आगे जाके बिल्कुल होगा ये सृष्टि, आगे जाके देखना के मतलब। बाबा तो मैं एक बात बताऊ, दिल की बात बता दूं आप सबको कि मुझे बताओ ना दिल की बात, सेटअप आपको नहीं बोल रही मैं सबको, मतलब अरे गिलाती बिग बॉस के बाद। हाँ बोलो मैं बोल रही, बाबा तो मुझे जसलीन नहीं अच्छी लगती, मैं क्या करूं? आपको जलसी है ना गुलाटी, चुप कर यार, नहीं जसलीन मुझे तो अच्छी लगती है यार। चलो इसी बात पे आज की एपिसोड खत्म करते हैं और देखते हैं कि आज घर से बाहर कौन होता है, क्योंकि नॉमिनेशन हो चुकी हैं और हम लोगों का अंदाजा है कि किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा। आप लोगों का क्या राय है, क्या अंदाजा है और क्या होता है आज के वार में, क्या करते हैं सलमान खान और वरुण जो अंदर जा चुके हैं ऑलरेडी घर के, वो क्या धमाल मचाते हैं? इसके साथ ही आप लोगों से विदा लेते हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू अवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।